नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ। अभिषेक, खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले मंडल की खबरें। महोबा के कोतवाली चरखारी क्षेत्र में 20 साल की युवती ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अमरोहा में 30 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। रेल रोको आंदोलन को लेकर किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए। वहीं भारतीय किसान कार्यकर्ताओं ने धनोरा में करीब 15 मिनट नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर ट्रेन रोकी। बुलंदशहर के सुधीर क्लिनिक में बुखार से पीड़ित मरीज का डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि मरीज की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में ह्यूमन अस्पताल में अब कुत्तों का इलाज होगा, जहां मरीजों के बेड पर कुत्ता लेटकर इलाज कराएगा। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां मरीजों के बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा है। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के राठनगर क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। मथुरा के मांडा क्षेत्र में डेंगू बुखार से मृत छोटे भाई को 11 साल की बहन ने मुखाग्नि दी, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो गई। मांडा के इतिहास में पहली बार घटना हुआ जब एक बहन ने भाई को मुखाग्नि दी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।